नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस फोगाट, मदर हॉस्पिटल हिसार। आज हम बात करेंगे स्किन की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे बहुत से लोग पीड़ित हैं। वह प्रॉब्लम है सोराइसिस। सोराइसिस एक स्किन की ऐसी बीमारी है जिससे काफ़ी लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और इस बीमारी से तंग आके काफ़ी लोग सुसाइड तक कर लेते हैं और इस बीमारी से लोग घृणा तक समझने स्टार्ट कर देते हैं। इस बीमारी के अंदर क्या कारणों की वजह से बीमारी होती है, क्या इसके रिस्क फैक्टर रहते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, वह सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें सोराइसिस किन वजह से होती है। सोराइसिस के बारे में अगर बात करें तो सोराइसिस हमारे स्किन की एक ऐसी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है जिसके अंदर, अगर हम जनरली बात करें तो हमारे स्किन के अंदर एपिथीलियम एक लेयर होती है, जो ऊपर वाली लेयर होती है। इसके नीचे हमारी डर्मिस लेयर होती है। जो हमारे एपिथीलियम लेयर है, यह कुछ समय के बाद, इसका 30 से 40 दिन का इसका एक लाइफ स्पैन होता है इसकी, वो 30 से 40 दिन के बाद हमारी स्किन उस जगह से उतर जाती है और इसको दूसरी लेयर रिप्लेस कर लेती है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो हमारी चमड़ी की यह क्षमता होती है, चमड़ी जाती रहती है और आती रहती है। इसका 30 से 40 दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है। पुरानी स्किन जाती है और नई स्किन आ जाती है। अगर हम सोराइसिस के बारे में बात करें तो सोराइसिस के अंदर जो हमारी यह स्किन का ये चक्कर होता है, लाइफ स्पैन होता है, यह चक्कर घट के 3 से 4 दिन का हो जाता है। यह 3 से 4 दिन के होने के बाद हमारी स्किन पुरानी स्किन चली जाती है और उसको नई स्किन रिप्लेस कर लेती है। अगर ये चक्कर जितना कम होगा उतनी हमारी स्किन के ऊपर फ्लेक्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और हमारी स्किन अच्छे से बन नहीं पाएगी, जिसमें हमारी स्किन के अंदर रेडनेस एरप्शन स्टार्ट हो जाते हैं। वह स्किन के अंदर काफ़ी डिस्चार्ज आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें लाल लाल कलर के निशान पड़ जाते हैं और उन निशानों से खून भी रिसना स्टार्ट हो जाता है या कोई स्टिकी टाइप का कोई मटेरियल भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो स्किन के अंदर काफ़ी ईचिंग के साथ साथ पेशेंट को और भी मेंटली प्रॉब्लम भी रहने स्टार्ट हो जाती हैं। अगर इसके कारणों के बारे में बात करें, यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। यह ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर अधिकतर लोगों के अंदर स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से या फिर काफ़ी लोगों के अंदर जेनेटिक फैक्टर्स के वजह से भी, अगर आपकी फैमिली के अंदर किन्हीं को सोराइसिस की प्रॉब्लम है तो 30 से 40% आपकी अंदर भी होने के चांसेस रहते हैं। आपके फादर साहब को है, आपकी मदर को है, तो आपकी बॉडी के अंदर भी ये चीज़ें आने के संभावनाएं रहती हैं। दूसरे रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से भी यह समस्या देखने को मिलती है, जिसके अंदर काफ़ी लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने की मिलती है। अगर दूसरे कारणों के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की वजह से या कुछ ऐसे केमिकल्स की वजह से भी हमारी स्किन के अंदर यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर हम इसका इनिशियल कंडीशन में बात करें तो अगर हमारी स्किन के अंदर जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगा तो आगे चल के जो हमारी स्किन है वो पतली सी एक परत बननी स्टार्ट हो जाएगी। वो परत धीरे 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 या धीरे उसके अंदर ईचिंग, जिसके अंदर हम खुजली के बारे में बात करें, खुजली भी आती है और उससे काफ़ी डिस्चार्ज भी आता है और नीचे से हमारी जो डर्मिस लेयर है उसके अंदर भी जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाती है और जो हमारी नसें हैं जो अंदर, जो हमारी डर्मिस लेयर के अंदर पाई जाती हैं, उनके अंदर भी स्वेलन आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें स्किन के जो पतली सी लेयर है येलो कलर की, उसके साथ साथ जो हमारी स्किन है उसके अंदर रेडनेस भी दिखती है। वो सारा कुछ सोराइसिस की कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है।
चलिए अब हम बात करेंगे किन लोगों के अंदर ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती है। अगर रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो जितने भी लोग डायबिटीज़ के हैं उनके अंदर यह सोराइसिस की कंडीशन होने के अधिक चांसेस रहते हैं, या फिर जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके स्मोकिंग या अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनके अंदर भी सोराइसिस के होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या फिर काफ़ी लोगों के अंदर जेनेटिक फैक्टर्स के साथ साथ वो समस्या भी देखने को मिलती है, या बीपी की आपको अधिक समस्या है तो उस दौरान भी आपको सोराइसिस होने के अधिक चांसेस रहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इसके कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्लक सोराइसिस के बारे में, जो एक स्मॉल स्मॉल कलर के हमारे स्किन के अंदर निशान पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, वो निशान हल्के से उनमें एक प्लक बनना स्टार्ट हो जाता है। वो प्लक जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड स्टार्टिंग में वो छोटे निशान होते हैं, अगर आप उसमें कोई क्रीम या फिर ऐसे सप्रेस या कोई स्टीरोइड का उपयोग करते हैं तो वो टेम्परेरी बेसिस पे तो आपके दब जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो दूसरी जगह पे बन जाते हैं, उसे हम प्लक सोराइसिस बोलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इसके दूसरे टाइप के बारे में, जिसे हम गटेट सोराइसिस कहते हैं। गटेट सोराइसिस के अंदर हमारी बैक के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर बैक के अंदर लाल लाल कलर के निशान पड़ जाते हैं। वो लाल लाल कलर के निशान में छोटे छोटे दाने से होते हैं। अगर उसको हम इनिशियल कंडीशन में अगर देखा जाए तो उनके अंदर कोई भी लेयर नहीं बनती है, वो केवल लाल कलर के होते हैं, जो गटेट सोराइसिस छोटे बच्चों के अंदर अधिक देखने को मिलते हैं। अगर इसकी एडवांस कंडीशन के बारे में बात करें तो जिसे पस्टुलर सोराइसिस बोलते हैं, गटेट सोराइसिस के बाद पस्टुलर सोराइसिस में कन्वर्ट अधिकतर लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं, या फिर पस्टुलर सोराइसिस अलग से भी देखने को मिलती है। इसके अंदर हमारे स्किन के अंदर जो लाल लाल कलर के निशान है उसके अंदर एक पस टाइप से बनने स्टार्ट हो जाती है, उस पस से आपके येलो कलर का डिस्चार्ज हो सकता है या कोई स्टिकी टाइप से मटेरियल का भी डिस्चार्ज देखने को मिलता है, और साथ साथ आपको ईचिंग की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पस्टुलर सोराइसिस एक इमरजेंसी कंडीशन रहती है जिसके अंदर पेशेंट को हाई फीवर के साथ साथ जॉइंट के अंदर पेन या और भी कंप्लेंट देखने को मिलती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट के बारे में, जिसे हम इन्वर्टेड सोराइसिस बोलते हैं। जो जितने भी महिलाएं हैं या फैटी पर्सन है उनके अंदर जो हमारे इन्वर्ट जो हमारे अंडर आर्म्स या फिर हमारे जहाँ पे हम बेल्ट का उपयोग करते हैं वहाँ पे यह सोराइसिस अधिक देखने को मिलती है, या जेनाइटल पार्ट्स के अंदर भी यह सोराइसिस देखने को मिलती है, इसे हम इनवर्स सोराइसिस बोलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अगले इसके पार्ट के बारे में, जिसे हम नेल सोराइसिस बोलते हैं। नेल सोराइसिस हमारे नेल्स के अंदर सोराइसिस बनने की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसे पिटिंग टाइप से भी बोलते हैं। पिटिंग टाइप से यह नेल हमारे येलो कलर के भी हो सकते हैं, नेल्स के अंदर गड्ढे भी बन जाते हैं, या फिर उन गड्ढों में येलो कलर हमारे नेल्स का कलर भी येलो हो जाता है, उसे हम नेल सोराइसिस बोलते हैं। अब अगले पार्ट के बारे में बात करें तो अगला है स्कैल्प सोराइसिस। स्कैल्प सोराइसिस के अंदर हमारे स्कैल्प है उसके अंदर काफ़ी ईचिंग, एक तरह से एक डैंड्रफ टाइप से काफ़ी लोग की कन्फ्यूज़न रहती है स्कैल्प सोराइसिस और डैंड्रफ के बीच में। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो उस दौरान आपके जो पतली सी लेयर बनती है या पपड़ी बनती है वह पपड़ी सोराइसिस कंडीशन है तो आपके अंदर वो येलो कलर की पपड़ी मिलेगी। अगर आपको प्लेन डैंड्रफ की समस्या है तो वो पपड़ी आपको वाइट कलर की मिलेगी। सोराइसिस के अंदर सिल्वर कलर की पपड़ी बनती है जो डैंड्रफ के अंदर नहीं बनती है। जो स्कैल्प सोराइसिस है उसके साथ साथ आपको काफ़ी ईचिंग की भी प्रॉब्लम रहेगी सिर के अंदर, और ये आपको इस एरिया के अंदर जो हमारे कान के पीछे है यहाँ पे भी आपको सोराइसिस की कंडीशन अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा काफ़ी लोगों के अंदर अगले इसके पार्ट के बारे में बात करें तो सोराइटिक ऑर्थराइटिस, जिन भी यंग जो ओल्ड एज है उसमें यह चीज़ें देखने को मिलती है। हमारे जॉइंट्स हैं वहाँ पे जो सिल्वर कलर की लेयर या पपड़ी बनती है वह ओल्ड एज में यह प्रॉब्लम अधिक देखने को मिलती है, जिसे हम सोराइटिक ऑर्थराइटिस भी बोलते हैं, उस दौरान भी ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में। इसके लिए आपका फिजिशियन आपको अच्छे से गाइड, आपकी कंडीशन देख के ही आपको गाइड कर पाता है कि आपको कौन से सोराइसिस है और क्या इसका ट्रीटमेंट रहता है। जनरली सोराइटिक की कंडीशन के अंदर फिजिशियन ही आपको कुछ कारणों की वजह से, जैसे आपके अंदर अगर फैमिली के अंदर सोराइटिक सोराइसिस की प्रॉब्लम है तो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा, या फिर आपका स्किन का टेस्ट भी करवाया जाता है, स्किन की बायोप्सी भी करवा सकते हैं, जिसमें वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाती हैं कि आपको कौन सी सोराइसिस है या आपका क्या वे ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। अगर अब हम बात करेंगे इसके होम ट्रीटमेंट के बारे में, घरेलू इलाज के बारे में, अगर आपको इनिशियल कंडीशन के अंदर सोराइसिस की प्रॉब्लम है तो उसमें आपके घर पे क्या कर सकते हैं जिससे आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो पाए। सबसे पहले आपको, अगर आपको इनिशियल कंडीशन के अंदर आपकी खुजली की प्रॉब्लम रहती है या फिर आपकी स्किन की पतली सी लेयर बननी स्टार्ट हुई है, उस दौरान आप सबसे पहले नारियल का तेल का उपयोग कर सकते हैं या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र का उपयोग कर सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दूसरे नुस्खे के बारे में बात करें तो अगर आपको स्कैल्प सोराइसिस है तो उस दौरान आप 100 ग्राम दही, उसके साथ साथ विटामिन ई के कैप्सूल और आप नींबू का रस और इसमें आप एलोवेरा को भी मिक्स करके उस बाउल में 15 से 20 मिनट तक रखिए और वो लेप आप अपने सिर पे लगाइए। अगर आपको इचिंग है या फिर आपको जो पतली सी लेयर डैंड्रफ की समस्या है तो वो चीज़ें भी इसी में आपकी ठीक हो जाएंगी। और यह लेप आपको आधे घंटे तक आपके सिर पे लगाए रखना है। कुछ टाइम के बाद आप अपने सिर को नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए, साथ साथ आप नॉर्मल शैम्पू का उपयोग कर सकते हैं। जिन भी पेशेंट को स्कैल्प सोराइसिस की कंडीशन रहती है उसमें काफ़ी हद तक आपको ये नुस्खा करने से भी आराम मिलेगा। ये दोनों नुस्खे आप अपने घर पे कर चुके हैं तो फिर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो उस दौरान आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपको मदर हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। अगर आपको सोराइसिस की कंडीशन है और काफ़ी टाइम से है और आप ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, आप जगह जगह से ट्रीटमेंट लेके थक चुके हैं, तो उस दौरान आपका गारंटी से इस बीमारी का इलाज किया जाएगा और आपको कुछ ही महीने के अंदर ही आपकी बीमारी है वो परमानेंट ठीक हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे किसी भी समय बात कर सकते हैं या कमेंट में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा।